मार्केट स्थित देशी शराब दुकान को हटाने एक बार फिर से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। देशी शराब दुकान हटाने बड़ी संख्या में लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। सुपेला लक्ष्मी मार्केट स्थित देशी शराब दुकान को हटाने लंबे वक्त से लोगों द्वारा मांग की जा रही है। मुख्य मार्ग में होने की वजह से लोगों को शराब भट्टी के कारण परेशान होना पड़ता है। शराबियों द्वारा उत्पात मचाए जाने से स्थानीय रहवासी और आवाजाही करते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से भट्टी को हटाए जाने की मांग सभी समाजसेवी संगठनों द्वारा काफ़ी वक्त से की जा रही है। अब शराब दुकान हटाने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर कर शराब भट्टी को हटाने अपना समर्थन दिया। समाज सेवी मदन सेन ने कहा कि यह प्रथम चरण की शुरुआत है, शराब दुकान हटते तक चरणबद्ध रूप से आंदोलन जारी रहेगा। ये सुपेला शराब भट्टी का है और सुपेला शराब भट्टी चूँकि 2019 से यहाँ के स्थानीय निवासी और व्यापारीगण इसको हटाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया है। चूँकि इसी क्षेत्र में कुरुद्वेल क्षेत्र है, कुरुद रोड का जो शराब भट्टी है, छावनी का शराब भट्टी है, जिसको अन्यत्र हटा दिया गया, लेकिन वो निजी स्वार्थ के लिए हटाया गया है। स्थानीय यहाँ पे नगर सरकार है, उनकी एक व्यवस्था है, उनको हटा दिया गया, लेकिन ये श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से इस शराब भट्टी को हटाने में क्या तकलीफ है। हम लगातार जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, नगर सरकार से मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस शराब भट्टी को हटाने में क्या परेशानी है, ये समस्या परे है। क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल, ये श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है और ये सुपेला का हृदय स्थल है, मुख्य मार्ग है, जहाँ पे लोगों को आना जाना है, व्यापारियों को आना जाना है, छात्रों को आना जाना है, इसको तत्काल हटाना चाहिए। मैं शमशेर सिद्दीकी, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी। आज जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, एक ये सराहनीय काम है। जनहित में आए दिन शराब भट्टी के नाम से लोग अप्रिय घटना के शिकार हो रहे हैं और यहाँ पे आने जाने वाली महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, जिसकी शिकायत लगातार हम लोगों को मिल रही थी, जिसकी वजह से आज हम लोग जनहित में ये कदम उठाते हुए, ताकि लोगों को कोई किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोगों ने एक साथ होकर तय किए हैं कि किसी भी तरह से शराब भट्टी को हटाने के लिए हम एक अपनी एकता के साथ, पूरी ताकत के साथ इसको हटाने के लिए काम करें। बहरहाल शराब दुकान हटाने बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया है। देखना होगा आने वाले समय में इसका कितना असर पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।